कर्नाटक में जानकर हारे मोदी, क्या है मोदी का मेगा प्लान? कर्नाटक की हार बनेगी वरदान, हार कर भी कैसे जीत गई बीजेपी? आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा हार गई, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह हार नहीं बल्कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक है तो? अगर मैं कहूं कि यह हार बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है तो? अगर मैं कहूं कि बीजेपी इस हार से 2024 जीतने जा रही है तो आप कहेंगे साबित करके दिखाओ। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है। नमस्कार, यह है वो कल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। हम कर्नाटक पर बात करते हैं, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा कहना तो राजनीतिक अज्ञानता है, राजनीतिक मासूमियत है, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? आप यही सोच रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप बताइए कर्नाटक के नतीजों के बाद 2024 के लिए क्या विपक्ष की लड़ाई और कठिन नहीं हो गई? अभी तक जो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे उसमें कांग्रेस भी उनके साथ थी, क्योंकि कांग्रेस खुद को हारा हुआ पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, अब कांग्रेस ने बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य जीता है, ऐसे में कांग्रेस का पुराना अहंकार लौट आया है। इसका अर्थ ये है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने तरीके से 24 में चलेगी, जो कि विपक्षी एकता को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिसका सीधा फायदा मोदी को होगा। देखिए, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लहर नहीं चल रही थी और ना ही कांग्रेस के समर्थन में लहर चल रही थी। बीजेपी को जितने प्रतिशत वोट पिछली बार मिले थे उतने ही वोट इस बार भी मिले हैं। इस बार हुआ ये कि जेडीएस का वोट कांग्रेस ने काट लिया और मुस्लिमों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दे दिया, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनाव जीतने में मिला। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक को टच भी नहीं कर पाई। इसका अर्थ ये हुआ कि हार कर भी बीजेपी जीत गई, बस ये जीत आपको 2024 में दिखेगी। अब देखिए, कर्नाटक के नतीजे जिस दिन आए उसी दिन ही यूपी निकाय चुनाव के नतीजे भी आए और यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसका अर्थ क्या हुआ कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी के सामने इस वक्त कोई नहीं है, अर्थात योगी का नारा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इसको लोगों का समर्थन प्राप्त है और 2024 के लिहाज से यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि 80 लोकसभा सीटें बड़ा खेल करने के लिए काफ़ी हैं, तो बीजेपी का गढ़ और मजबूत दिख रहा है। अब यहाँ आप बहुत ध्यान से समझिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। भूकालिग्गा, लिंगायत, कोड़ा और मुस्लिमों को साधने की बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी और ये तो तय है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आई सरकार के प्रति असंतोष भी उसी तेजी से उठता है। ऐसे में उस उथल पुथल का फायदा भाजपा उठाएगी। साथ ही तमिलनाडु में मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति से जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो भी बीजेपी के लिए काम करेगी। दरअसल तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने 1,000 रुपये प्रति महिला को प्रति महीने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों से राज्य सरकार का बजट हिला हुआ है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने ऐसे कई वादे किए हैं, ऐसे में पीएम मोदी इन परिस्थितियों को 24 के लिए भुना सकते हैं। अब देखिए, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहाँ 25 सीटें जीती थीं, जबकि उससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनी थी। इसका अर्थ ये है कि जब राज्य में अपनी सरकार नहीं है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर मोदी ज़्यादा सीटें बटोरने में सफल रहते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिलता है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर अगर राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो कहा जा सकता है कि भले ही बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार गई है, लेकिन इस हार से भी बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।